दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ है राघव मिश्रा और एक बार फिर से हम दोनों आपके साथ हाजिर हैं मॉर्निंग अपडेट्स के साथ, क्रिकेट से जुड़ी और साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो यहां हमारी आज की पहली मॉर्निंग अपडेट जो है वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज से है, जिसका दूसरा मुकाबला आज खेला जाना है कटक के मैदान पर। भारतीय टीम पहला मुकाबला हार चुकी है, जहाँ मेहमान टीम ने भारतीय टीम को जो है 212 रनों का लक्ष्य जो है बहुत आसानी से चेस कर लिया था। भारतीय टीम को पहले मुकाबले में हराया था, जिसके बाद अब दूसरा मुकाबला कटक के मैदान में खेला जा रहा है, जहाँ भारतीय टीम चाहेगी कि वो अच्छी तरीके से कमबैक करे, स्ट्रॉन्ग कमबैक हो और साथ साथ सीरीज में एक एक की बराबरी करे। बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ा मुकाबला है क्योंकि पहला मैच भारत हार चुका है। इस मैच में गेंदबाजों से काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बल्लेबाजों ने पहले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कार्तिक फॉर्म में है, किशन फॉर्म में है, पांड्या भी IPL जिता चुके हैं, वो भी फॉर्म में ही है, तो ऐसे में गेंदबाजों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है इस मैच में। साथ साथ ऋषभ पंत कप्तान जो है वो IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी करते हुए आए थे, उन्हें भारतीय टीम में कप्तानी का मौका मिला KL राहुल के इंजर्ड होने के बाद। तो अब ऐसे में ऋषभ पंत का एक बार फिर से टेस्ट होगा क्योंकि पिछला मुकाबला भारतीय टीम हारी है, तो वही अब ऋषभ पंत दूसरे मुकाबले जो है सीरीज की बराबरी करना चाहेंगे। एक कप्तान के ऊपर वो दबाव होगा। बिल्कुल, मेहमान टीम को हराने का काफी दबाव होगा भारत के। दूसरी बड़ी खबर है IPL का मीडिया राइट की बोली लगने वाली है, नीलामी लगने वाली है आज, और बोली का स्टार्टिंग का बेस प्राइस है 32,000 करोड़ रुपए। तो इसमें बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। पहले जो 5 साल के लिए स्टार स्पोर्ट के पास था राइट, आप जानते हैं हॉट स्टार का डिजिटल राइट था, टीवी राइट स्टार स्पोर्ट के पास था, तो वही अब इसके बीच जो है वायकॉम 18 और स्टार के बीच एक बार फिर से जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिला। स्टार तो हालांकि पहले से ही रहा है जैसे भी वैभव ने बताया, तो इस बार वायकॉम 18 और साथ साथ स्टार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज 11 बजे से इसकी जो बोली है वो शुरू होने वाली है, जिसमें चार अलग अलग पैकेज के लिए जो है बोली लगाई जाएगी। हाँ, पहले पैकेज में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए टीवी राइट शामिल है, जिसमें भारत के उपमहाद्वीप के अंदर जो भी देश आते हैं उसमें टीवी राइट किसके पास रहने वाला है। और दूसरा पैकेज है भारतीय उपमहाद्वीप के डिजिटल राइट का, कि डिजिटल में किस प्लेटफॉर्म पे आप मैच देख सकेंगे, ये दूसरा जो है वो पैकेज होगा। और तीसरा पैकेज होगा 18 चुनिंदा मैच है जिसमें IPL के प्लेऑफ मैच शामिल है, एक दिन में 2 मैच होता है डबल हेडर, वो मैच शामिल है, तो इसका ये तीसरा पैकेज है। और चौथा पैकेज नीलामी का होगा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, एशिया के बाहर, आप अफ्रीका, यूरोप, वहां पर किसके पास टीवी प्रसारण का अधिकार होगा, इसके ये चौथा पैकेज होगा नीलामी का। जी हाँ, और साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि BCCI की ओर से जो ये किया जा रहा है नीलामी का, जो भी सभी नीलामी आज 11 बजे होने वाली है, उसकी जो है जो घोषणा होगी, जो भी जिसको भी मीडिया राइट दिए जाएंगे उसकी घोषणा मुमकिन है कि आज नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसकी एक समय सीमा है जो है अभी तक कोई फिक्स नहीं कि कब तक ये जो नीलामी है चलने वाली है। बिल्कुल, BCCI को उम्मीद है 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक वो इस राइट से जुटा सकते हैं। जी हाँ, साथ साथ हमारी जो तीसरी और बड़ी खबर है वो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच से, जहां पे न्यूजीलैंड ने पहले मैच में एक करारी हार के बाद जो है वह अच्छी तरीके से कमबैक किया है। पहली पारी में देखें तो 553 रन का स्कोर, बड़ा स्कोर जो है खड़ा कर दिया है न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरे टेस्ट में। अच्छा, और खासकर केन विलियमसन जो मैच वाले दिन ही पहले मैच में जो मैच के पहले दिन जो है कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जिसके चलते उन्हें ये दूसरे टेस्ट में से बाहर होना पड़ा था, लेकिन उनके बिना जो है टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी टीम नजर आ रही है। जहां टीम में देखे तो डेरिल मिचेल जो 190 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन सभी को निराशा है कि वो 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, क्योंकि टेस्ट में बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है 200 पार करना, वो नहीं हो पाया। तो वही साथ टॉम ब्लंडर जिन्होंने 106 रनों की पारी खेली, तो इन दोनों की बदौलत जो है न्यूजीलैंड ने अपनी जो पहली पारी में जो है 553 रनों का जो स्कोर है बोर्ड पर जो खड़ा किया है। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों ने 553 रन बनाए, उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम खेलने उतरी तो 90 रन पे अभी उसके एक विकेट गिर चुके हैं 26 ओवरों में, तो अभी भी इंग्लैंड की टीम 463 रन पीछे है, उसको 463 रन बनाने हैं न्यूजीलैंड की बराबरी करने के लिए। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि पहले मुकाबले में जो उसको हार मिली है उसी से उभर करके जो है ये आज के मैच में, अगर जो आज तीसरा दिन होगा मैच का, उसमें न्यूजीलैंड मेजबान इंग्लैंड टीम को जो है जल्द से जल्द आउट करके जो अच्छी खासी पहली पारी में लीड हासिल करे। साथ साथ दर्शकों को एक और बात बताएं कि इस मुकाबले में जो एक बड़ा रिकॉर्ड जो है कायम किया है न्यूजीलैंड की टीम ने, 5वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई है वैभव, वो 226 रनों की हुई है, जो अब तक की न्यूजीलैंड के लिए सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है, जो इससे पहले 222 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। तो ऐसे में अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, जहां मैंने बात की डेरिल मिचेल 190 रन बनाने में कामयाब रहे, तो वही टॉम ब्लंडर ने 106 रन बनाए, तो इन दोनों की बदौलत जो है न्यूजीलैंड की टीम 506 रनों पर पहुंच पाई है। तो वही हमारी इस सूची में चौथी और बड़ी खबर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप से आ रही है, जो आज से 4 से 5 महीने बाद जो फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, फुटबॉल का महासंग्राम भी हम इसको कहते हैं। 21 नवंबर से बड़ा
महासंग्राम जो शुरू हो रहा है 18 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट जो है ये चलने वाला है। इसमें हम एक बार फिर से कई बड़े बड़े खिलाड़ी कई बड़ी बड़ी टीमें जो है नजर आने वाली हैं। तो वहीं अब इस बीच जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए व्यूअरशिप जो है वो 500 करोड़ तक की हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप 500 करोड़ तक की जा सकती है। तो वहीं इसमें देखे तो टिकटों के लिए जो है 2.35 करोड़ लोगों ने अब तक जो है अप्लाई भी कर दिया है टिकट के लिए। इसमें अर्जेंटीना के मैचेस के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में टिकट की वैभव जो है बिक्री हो रही है। तो फैंस को अर्जेंटीना का के मैचों का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि अर्जेंटीना के मैचेस की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है। बिल्कुल, इस फीफा वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, कतर में होगा, कतर के 6 मैदानों पर होगा। तो कतर की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी है, टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है। तो फुटबॉल फैंस के लिए, एशिया के फुटबॉल फैंस के लिए उम्मीदें अब खत्म होने वाली है, इंतजार खत्म होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप बहुत जल्द ही शुरू होगा। वहीं हम दर्शकों को ये बता दें कि 18 दिसंबर को जो लुसेल में फाइनल का जो खिताबी मुकाबला होने वाला है उसके अंदर जो है 30 लाख फैंस ने अब तक जो अप्लाई कर दिया है टिकट के लिए, उसमें से 8 लाख टिकटों की बिक्री हो भी चुकी है। तो वहीं जैसा भी हमने बताया कि अर्जेंटीना के मैचेस की सबसे ज्यादा बिक्री हुई, तो आपको बता दें कि किस किस टीम के मैचेस की सबसे ज्यादा अब तक बिक्री हो चुकी है टिकटों में। तो देखें तो अर्जेंटीना का नाम सबसे पहले आ रहा है, तो वहीं दूसरे में ब्राजील है, इंग्लैंड के मैचेस के लिए भी सबसे ज्यादा बिक्री है। चौथे नंबर पे फ्रांस का नाम आ रहा है, पांचवे पे मेक्सिको है, फिर छठे पे सऊदी अरब है। तो इसके अलावा अगर हम अर्जेंटीना के ही मैचेस की बात कर ले तो अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको के मुकाबले की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। उसके अलावा अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरब, इंग्लैंड वर्सेस अमेरिका और पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना, हालांकि अर्जेंटीना के मुकाबले जो है सबसे ज्यादा बिक्री में आ रहे हैं। बिल्कुल, सबको उम्मीदें हैं, फैंस को उम्मीदें हैं लियोनेल मेसी को देखने के लिए। और सऊदी अरेबिया के मैचों की सबसे ज्यादा मांग इसलिए भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, तो कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई सब पास पास में ही पड़ते हैं, तो वहां के फैंस अपनी टीम को देखने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। और सिर्फ इतना ही, आपको बताएं 2018 में जो हमारा पिछला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, पिछली बार जब हुआ था तो उससे जो है 2.5 गुना जो है मात्रा में इस बार जो व्यूअरशिप बढ़ती नजर आ रही है। तो इस बार क्या फैंस अलग एक्साइटमेंट देख रहे हैं अपने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर? बिल्कुल, फीफा का नया प्रयोग है, यूरोप के बाहर, अफ्रीका के बाहर पहली बार एशिया में वर्ल्ड कप लेकर आ रहे हैं। वो पिछला वर्ल्ड कप हम जान ही चुके हैं, 2018 में फ्रांस उसकी विजेता रही थी, क्रोएशिया उप विजेता रही थी। सबको उम्मीदें हैं कि शायद एशिया की कोई टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ खास कर जाए, कमाल कर जाए क्रोएशिया की तरह। जी हाँ वैभव, तो ये थी हमारी आज की मॉर्निंग अपडेट की सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए और साथ साथ इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।